क्या आपने ध्यान दिया है कि हमारे समाज में कुछ पारिवारिक संबंध धीरे धीरे अदृश्य हो रहे हैं। पहले हर बच्चे के माता पिता के अलावा चाचा, ताऊ, बुआ, मामा, मौसी जैसे ढेरों रिश्तेदार हुआ करते थे, लेकिन अब ये सभी मानो विलुप्त प्रजाति होते जा रहे हैं। भारतीय परिवारों में रक्त के कुल 5 रिश्ते समाप्त होने की कगार पर हैं। एक दो पीढ़ी बाद संभवतः ये सभी संग्रहालय में सजा दिए जाएंगे, केवल अंकल और आंटी बचेंगे। इसे इस तरह समझा जा सकता है, यदि किसी दंपत्ति के 2 पुत्र और 2 पुत्री हैं, तो उनके सभी 5 रिश्ते यानी ताऊ, चाचा, बुआ, मामा और मौसी होंगे। यदि 2 पुत्र हैं लेकिन पुत्री एक ही है, तो उनकी जो संतानें होंगी उनकी कोई मौसी नहीं होंगी। माँ के बाद बच्चों की कोई सबसे सगी महिला होती है तो वो मौसी ही होती हैं। यदि किसी के 1 पुत्र और 2 पुत्री हैं, तो चाचा और ताऊ के रिश्ते नहीं होंगे। यदि 1 बेटी और 1 बेटा है, तो उनकी संतानों का ना तो कोई चाचा होगा, ना ताऊ, ना मौसी। यदि 1 बेटा या 1 बेटी होती है, तो वो पूरी तरह से अकेला होगा। माता पिता के बाद उसका कोई रक्त संबंधी नहीं होगा। सिंगल चाइल्ड फैमिली को उनका निर्णय तीसरी पीढ़ी यानी जिनके वो दादा दादी होंगे बुरी तरह प्रभावित करेगा। उनका पौत्र या प्रपौत्र इस संसार में अकेला होगा। उसे अपने रक्त के रिश्ते की आवश्यकता होगी, तो इस पूरे ब्रह्मांड में उसका अपना कोई नहीं होगा। इसलिए दंपत्ति को सिंगल चाइल्ड के निर्णय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। ये न केवल हमारे बच्चों को एकाकी जीवन जीने को विवश करेगा, बल्कि हमारी हिंदू परिवार व्यवस्था को भी नष्ट कर देगा। पश्चिमी देशों में सिंगल चाइल्ड पॉलिसी भारत से पहले आरंभ हो गई थी। वहां पर इसके भयावह परिणाम सामने आने लगे हैं। ब्रिटिश विद्वान डेविड सेल्बॉन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द लूजिंग बैटल विद इस्लाम। इसमें बताया गया है कि पश्चिमी समाज पर इस्लाम का अधिकार होता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण एक शक्तिशाली परिवार व्यवस्था का अभाव है। यूरोपीय देशों में परिवार नाम की संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है। लोग विवाह करना पसंद नहीं करते। समलैंगिकता, अवैध संबंध, लिव इन रिलेशन जैसी कुरीतियां सामान्य बात हैं। उन समाजों में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है जिन्हें नहीं पता होता कि उनके पिता कौन हैं। बूढ़े माता पिता को घर में रखने को कोई तैयार नहीं। ओल्ड एज होम में उनका बुढ़ापा बीतता है। यूरोपीय देशों में आज राजनीतिक दल परिवार को बचाने का वादा अपने चुनावी घोषणा पत्र में करने लगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो फैमिली फर्स्ट नाम से एक राजनीतिक दल भी बन गया है। पश्चिमी देशों के समाज शास्त्रियों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि परिवार व्यवस्था को कैसे बचाया जाए। इस सब के लिए उनके पास यही सुझाव है कि एक से अधिक बच्चे पैदा हों। अब यही चुनौती भारतीय समाज के सामने भी खड़ी होने जा रही है। क्या हम समय रहते सतर्क हो पाएंगे, या हमारे साथ भी वही होगा जो पश्चिमी देशों के साथ हो रहा है।